नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम बाथरूम का वाटरप्रूफिंग देखने वाले हैं। इसमें टाइल्स ग्राउटिंग कैसे करते हैं वो देखने वाले। ये आप देख सकते हैं, ये बाथरूम, इसमें टाइल्स के जो जॉइंट्स है वो पूरे जॉइंट्स वो ग्राइंडर से कट करते हैं, उसमें पूरा एक्सपोज करके बाद में उसको पूरा नीटली क्लीन करते हैं। ये आप देख सकते हैं। ये पूरा जॉइंट्स कट करने के बाद में पानी से पूरा वो साफ कर देते हैं। ये आप ब्लोअर देख सकते हैं, ये पूरा पानी से साफ करने के बाद में पूरा ब्लोअर से उसको हवा मार के ड्राई करते हैं। ये देखिए ड्राई कर रहे हैं। ये कपड़ा से भी पोंछते हैं ताकि पूरा पूरी तरह से ये ड्राई हो सके। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर फिक्स इट, ये एक वाटरप्रूफिंग केमिकल है। और ये साइड में व्हाइट सीमेंट है। ये व्हाइट सीमेंट, पानी और डॉक्टर फिक्स इट, इसका एक मिक्सचर बनाया जाता है। इसमें 70% वाटर रहता है, 30% डॉक्टर फिक्स इट केमिकल रहता है। ये देखिए मिक्स कर गए। वाटरप्रूफिंग के लिए मार्केट में अलग अलग टाइप के केमिकल्स अवेलेबल है। डॉक्टर फिक्स इट एक जाना माना केमिकल है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये देखिए ये मिक्सर पूरा साइड में जो भी जॉइंट्स है टाइल्स के वहाँ लगा रहे हैं। जितने भी जॉइंट्स हमने अभी एक्सपोज किए, क्लीन किए, ये सारे जॉइंट्स इस मिक्स से पूरा भर देते हैं। वाटरप्रूफिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को टाइल्स ग्राउटिंग बोलते हैं। ये वाटरप्रूफिंग प्रोसेस बिना टाइल्स निकाले या फिर बिना टाइल्स तोड़े किया जाता है। ये पूरे जॉइंट में ये मिक्सचर पूरा भर देते हैं। और ये पूरा भरने के बाद में एक ड्राई कपड़ा से उसके ऊपर में जो भी लूज मटेरियल है उसको निकाल देते हैं। ये प्रोसेस होने में लगभग एक बाथरूम को 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। ये देखिए ये पूरा भर रहे हैं जॉइंट्स। दीवार के एज के जो जॉइंट्स है वो पूरा उंगली से अच्छे से भरते हैं। ये जो व्हाइट सीमेंट है, डॉक्टर फिक्स इट और पानी, इसका जो मिक्सचर है उसको ग्राउट भी बोलते हैं। ये ग्राउट पूरे जॉइंट में भर देते हैं और होने के बाद में एक सूखे कपड़े से ऊपर में पोंछते हैं जो कि लूज मटेरियल है वो निकल जाए। इधर आप देख सकते हैं। ये अभी काम कंप्लीट हुआ है। ये देखिए वाटरप्रूफिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। ये होने के बाद में बाथरूम कम से कम 4 या 5 घंटा यूज़ नहीं करना है, पानी वगैरह नहीं छोड़ना है।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।